हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इकोनॉमिक प्लानिंग की टाइप्स। लास्ट सेशन में हमने इंड्यूसमेंट प्लानिंग एंड प्लानिंग बाय डायरेक्शन की, एंड आज हम इस सेशन में टाइप्स में करेंगे इंडिकेटिव प्लानिंग कौन सी होती है एंड इम्पेरेटिव प्लानिंग है वो क्या है। जब भी हम डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, प्लानिंग में गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर हम सोशलिस्ट कंट्री को कंपेयर करते हैं, सोशलिस्ट कंट्रीज में क्या होता है, प्लानिंग पूरी की पूरी गवर्नमेंट करती है, एंड जिसमें अगर एक सेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत रिजिडिटी होती है। लेकिन टाइम के साथ अब क्या है, कंट्रीज मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, तो इसके साथ ही प्लानिंग की फॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, और इसमें से एक प्लानिंग आती है इंडिकेटिव प्लान। जो इंडिकेटिव प्लानिंग है वो फ्रांस में प्रिवेल करती है, तो 1947 में फ्रांस ने इंडिकेटिव प्लानिंग है इसको अडॉप्ट किया था। तो जो इंडिकेटिव प्लानिंग है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, इनमें ही सूटेबल होती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पब्लिक सेक्टर है एंड प्राइवेट सेक्टर है कोऑपरेशन से प्लानिंग करता है। कोऑपरेशन कैसे होगी, जो पब्लिक सेक्टर है, बेसिक इंडस्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है कि आपको कितनी प्रोडक्शन करनी है, कब करनी है, सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथों में होता है। लेकिन जो अदर सेक्टर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर है, इसके लिए छोड़ दिए जाते हैं। एंड इसमें भी क्या होता है, जब प्लानिंग करते हैं इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी है वो ही प्लानिंग करेगी, सेंट्रल अथॉरिटी है वो ड्राफ्ट बनाती है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर होते हैं इनके एसोसिएशन के मेंबर के साथ आपस में मीटिंग करते हैं, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर ही प्लानिंग करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर अपनी इंटरेस्ट बताता है, पब्लिक सेक्टर अपनी बात बताता है कि हमको इकोनॉमी को डिवेल्प करना है और डिवेलपमेंट के लिए इसकी प्रोडक्शन की कितनी जरूरत है। तो दोनों जब आपस में मिलकर कोऑपरेशन के साथ प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बहुत सॉफ्ट प्लानिंग होती है। तो अब इंडिकेटिव प्लानिंग क्या है, अंडर दिस प्राइवेट सेक्टर इज नीदर रिजिडली कंट्रोल नॉट डायरेक्टेड टू फुलफिल द टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द प्लान। इसमें प्राइवेट सेक्टर को ना ही जो हमारी सोशलिस्ट प्लानिंग होती है उसकी तरह रिजिडली कंट्रोल किया जाता है जैसे प्लानिंग बाय डायरेक्शन की थी, एंड ना ही इसको डायरेक्ट किया जाता है कि आपको हमारे प्लान है इसको पूरी तरह से टारगेट करना है। तो जो हमारे टारगेट्स हैं, हमारी प्रायोरिटीज हैं, उनको फुलफिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता, बल्कि उनकी कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन ली जाती है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, फ्री होता है, उसको फ्रीडम दी गई है, उसने अपनी मर्जी से हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रोडक्शन करनी है। तो ये कैसे होता है, वाया इंड्यूसमेंट होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो ड्राफ्ट प्लान है, पहले सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो क्या कर देती है, प्लान का ड्राफ्ट बनाती है, जो ड्राफ्ट होता है फिर इसको डिस्कस किया जाता है विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अगर इनके साथ हम डिस्कस करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, एंड प्राइवेट सेक्टर बिकम्स अ पार्टनर इन द इकोनॉमिक प्लान। तो हमारी जो प्लानिंग है उसका एक पार्टनर बन जाता है, तो पार्टनर के रूप में काम करता है, तो प्लानिंग तो सक्सेसफुल होगी, एंड इकोनॉमी है वो बहुत जल्दी डेवलप करती है। तो फ्रांस तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने अपनी कंट्री में इंडिकेटिव प्लानिंग है इस प्लानिंग को अडॉप्ट किया है, तो ये बहुत ही सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स ही हैं, तो इसके क्या मेरिट्स हैं, तो पहली बात, परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज बिटवीन फ्रीडम एंड प्लानिंग। तो प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम भी मिल गई, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला कि आपको ये काम करना है। तो जैसे हम फ्री मार्केट में फ्रीडम देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम भी मिली है, एंड जो हमारी पब्लिक सेक्टर है वो प्रॉपर प्लान कर रही है, पब्लिक सेक्टर हमारा काम करेगी, बेसिक इंडस्ट्री फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करके दे रही है, उसके लिए हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, अपने प्लान को प्रॉपर डायरेक्शन देकर फुलफिल करती है। लेकिन जो डायरेक्शंस है ना, वो डायरेक्शन ओनली एंड ओनली पब्लिक सेक्टर के लिए होती हैं।
लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए फ्रीडम है, आपको काम कैसे करना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को जैसे इंड्यूसमेंट प्लानिंग थी, उसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, टैक्सेशन है, सब्सिडी है, इस तरह से हम उनको क्या करते हैं, फ्रीडम देते हैं। तो इस तरह हमारी प्लानिंग सक्सेसफुली वर्क करती है। एंड इसमें मेरिट्स किसके हैं, फ्री मार्केट के भी एंड प्लैंड इकोनॉमिक्स के भी, तो दोनों के मेरिट मेरिट इसमें उठा लिए गए हैं। जिसमें जैसे हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था, सोशल इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन दोनों के मेरिट को इंक्लूड कर दिया। वैसे ही इंडिकेटिव प्लान में फ्री मार्केट एंड प्लैंड इकोनॉमी, इन दोनों के मेरिट्स हैं। तो इसमें जैसे इंड्यूसमेंट प्लानिंग है वो भी हो रही है, डायरेक्टेड प्लानिंग है वो भी हो रही है, जो प्लैंड इकोनॉमी है जैसे सोशलिस्ट प्लानिंग होगी, यूएसएसआर हो गया, रशिया हो गया, तो इसकी तरह इसमें हमने पब्लिक सेक्टर को डायरेक्ट किया। एंड जो फ्री मार्केट थी इसमें हमने प्राइवेट सेक्टर को गाइड कर दिया। एंड जो डेमोक्रेटिक प्लानिंग है, हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं करें कि प्लान के टारगेट्स हैं इसको फुलफिल आपने ही करना है, जो बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल प्लानिंग मानी जाती है। एंड पब्लिक सेक्टर इज डायरेक्टेड, जो पब्लिक सेक्टर है वो डायरेक्टेड होते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर इज इंडिकेटेड और गाइडेड, उनको गाइडेंस दी जाती है, बाकी डिसीजन प्राइवेट सेक्टर ने अपना खुद ही लेना है। तो इस तरह इसके बहुत से मेरिट है, जिस वजह से फ्रांस बहुत जल्द ही डिवेलप कर पाया। लेकिन इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, क्योंकि जब हम इंडिकेटिव प्लानिंग करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस भी बन जाती हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, उनको इंड्यूसमेंट दे रहे हैं, बहुत सी रिलीफ्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर है प्रॉफिट मोटिव से ही अपने काम करता है। तो उनके लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। सो जो मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं यूज देयर पावर फॉर पर्सनल बेनिफिट, उनके लिए देश के बेनिफिट नहीं, उनके लिए पर्सनल बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट है, वो नेशनल प्रायोरिटीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है, उनको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। हम कितना भी प्राइवेट सेक्टर के लिए कर ले, लेकिन मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर देश के लिए कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेता है। तो कई बार क्या होता है, मार्केट मैकेनिज्म जब फेल हो जाता है उस टाइम डायरेक्ट इंटरफेरेंस होती है गवर्नमेंट की, जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, या किसी प्रोडक्शन की सप्लाई कम हो जाती है, इस केस में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इसमें चेंज नहीं किया जाता है, तो फ्रांस में क्या करते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की जो फ्रीडम है वो कहाँ गई, वो तो खत्म हो गई ना, किसी ना किसी वजह से गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ जाती है। एंड थर्ड वन इज इन्फ्लेशनरी, व्हेन इनसफिशिएंट सप्लाई, कभी कभी डिमांड एंड सप्लाई मीट नहीं कर पाती है, तो वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। तो इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन इंडिकेटिव प्लानिंग है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सक्सेसफुली वर्क कर रही है। इंडिकेटिव प्लानिंग के ऑपोजिट आती है इंपेरेटिव प्लानिंग। जो इंपेरेटिव प्लानिंग है, जैसे हमने डायरेक्टिव प्लानिंग की थी सेम वैसी ही है। तो इसमें क्या होता है, जो सोशलिस्ट कंट्री है उनमें जो प्लानिंग की जाती है वो क्या होती है, इंपेरेटिव प्लानिंग। तो इंपेरेटिव प्लानिंग कहाँ होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में होती है, जबकि इंडिकेटिव प्लानिंग कहाँ होती है, जो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम इंडिकेटिव प्लानिंग करते हैं। तो इंपेरेटिव प्लानिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है, सारा कंट्रोल किसके पास हो गया, सरकार के पास हो गया, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस ऑफ द इकोनॉमी ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट, सभी के सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल के अंडर है, सरकार के कंट्रोल के अंडर है, एंड सरकार का कंप्लीट कंट्रोल है ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो उसको डायरेक्ट करती है कितनी प्रोडक्शन करनी है, इसका डिसीजन स्टेट लेती है, कब करनी है डिसीजन स्टेट लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारी इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कब कैसे डिवेलप होगा, इस सब के लिए डिसीजन कौन लेता है, हमारी स्टेट लेती है। इससे बहुत सी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं। तो एक तरह से सोशलिस्ट प्लानिंग बन गई, डायरेक्टिव प्लानिंग बन गई, तो उनके लिमिटेशन इसकी भी है, इसमें कंज्यूमर की कोई सॉवरेंटी नहीं है, क्योंकि जो स्टेट प्रोड्यूस करते हैं कंज्यूमर को वही कंज्यूम करना पड़ता है, एंड जो कॉमोडिटीज हैं इनकी रैशनिंग की जाती है, आपको कितनी
कितनी कॉमोडिटी परचेज करनी है वो भी गवर्नमेंट कई बार डिसाइड करती है एंड ये बहुत ही रिजिड होती है एंड इसके साथ साथ ये बहुत एक्सपेंसिव भी है क्योंकि इसके लिए ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इम्पेरेटिव प्लानिंग है ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, इसमें वो कोई भी कंट्री बहुत जल्दी सक्सेस नहीं हो पाती है। पहले इम्पेरेटिव प्लानिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, जैसे USSR है, रशिया और चाइना, इन्होंने पहले इम्पेरेटिव प्लानिंग को अपनाया था, लेकिन टाइम के साथ इसमें चेंजेस लेकर आने पड़े। तो आज के टाइम में अगर हम इंडिकेटिव प्लानिंग यानी इम्पेरेटिव प्लानिंग में कंपेयर करें, इंडिकेटिव प्लानिंग को सॉफ्ट प्लानिंग कहते हैं, जो हमारे आज की रिक्वायरमेंट्स है इसको फुलफिल करी है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में इंडिकेटिव एंड इम्पेरेटिव प्लानिंग की है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव नाइस डे।